अत्यंत प्रासंगिक हो जाते हैं। गांधी जी कहते थे कि उनके लिए गो रक्षा का अर्थ गाय के रक्षा से कहीं अधिक है। दरअसल पिछली सरकारों की उपेक्षा ने गाय और गोवंश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एकदम अप्रासंगिक बना दिया था। इसलिए जो लोग गाय पालते भी थे उनके लिए उनके बछड़े और बूढ़ी गाय का कोई आर्थिक महत्व नहीं रह जाता था। हमारी सरकार ने इसी 20 जुलाई को हरेली जैसे कृषि त्योहार के दिन गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया है। गोधन न्याय योजना को अगर गांधी जी को एक पांव श्रद्धांजलि कहें तो गलत नहीं होगा। इस योजना ने गांव और गोवंश को फिर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इतना उत्पादक स्थान दिया है जिससे कृषक गाय को न सिर्फ पालने के लिए उत्साहित होंगे बल्कि उनकी बेहतर देखभाल करने के लिए भी प्रेरित होंगे। कोरोना के संकटपूर्ण दौर में गोधन न्याय योजना के जरिए हमने इसी हफ्ते करीब 47,000 गोबर विक्रेताओं को 1,65,00,000 रुपए का पहला भुगतान किया है। इस योजना से गौ पालकों को पूरे साल रोजगार मिलेगा। गांधी जी मानते थे गाय की हत्या रोकना सिर्फ हिंदुओं की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हिंदू न सिर्फ मुसलमान को बल्कि सभी लोगों को अपनी सोच में अहिंसक तरीकों से शामिल करेंगे। आप छत्तीसगढ़ में यह देख सकते हैं गाय और गोवंश अब हिंदू मुस्लिम सभी के लिए एक अत्यंत उपयोगी पशु बन गया है। गांधी जी कहते हैं इस काम में कोई किसी के साथ हिंसा की ताकत से मजबूर नहीं करेगा। यह काम सिर्फ अहिंसा के रास्ते ही किया जा सकता है। हम इसी रास्ते पर हैं और आज देश भर विकास के इस मॉडल की चर्चा हो रही है। हमारी कोशिश है कि हमारे विकास का मॉडल वही हो जिसकी कल्पना गांधी जी ने की थी। हमारी कोशिश है कि हम उस मॉडल को आज की परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनाएं। मार दिए जाने के लगभग 8 दशकों बाद भी बापू जिंदा है। हमारी चेतना में, हमारे गांव में, हमारी गलियों में बापू जिंदा है। अपने विचारों के साथ वो जिंदा है गांधी मार्ग पर जो न सिर्फ जीने का रास्ता है बल्कि हम जैसे सरकारों के लिए न्यायपूर्ण शासन का आदर्श है। गांधी जिंदा है दुनिया को प्रेम, सच्चाई, सर्वधर्म संभाव, सहिष्णुता और शांति का पाठ पढ़ाने के लिए। जिंदा है हथियारों के अंधी होड़ से मुक्त दुनिया, खुशहाल और निरोगी और उत्पादक दुनिया का रास्ता बताने के लिए। मेरी शुभकामना है आज गांधी जी पर सार्थक चर्चा होगी। गांधीवाद के मनुष्यों से आज यही विनम्र अपेक्षा है वो गांधी को नई वैश्विक चुनौतियों के आईने में दुनिया के सामने रखें, दुनिया बेहतर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे कार्यक्रम जो आप कर रहे हैं तो उसमें और अधिक विकास संभव हो, उससे जहाँ भी जो भी इनपुट हम लोगों के पास होगा वह हम लोग आपसे शेयर करेंगे। आपको हम लोगों के बीच आने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आपसे बहुत ही फिर अब भविष्य में जो इस तरह के कोई कार्यक्रम होंगे तो उसमें भी हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप और आपका मार्गदर्शन हम लोग चाहेंगे कि जो विश्व में गांधी दर्शन में विश्वास करने वाले हैं, गांधी के जीवन को जीने वाले हैं, उनके साथ आपका इंटरेक्शन हो, आपसे वार्तालाप हो, आपके जिससे उस चर्चा से पूरे विश्व को फायदा हो सके। आपने जिन बातों पर अभी चर्चा की है उससे विश्व शांति को स्थापित करने में बड़ा ही मदद मिलेगा और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमारे साथी जो इसमें आए हैं वो अन्य 10 देशों से हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वे सभी अपने अपने देश में आपके इस विषय पर वो चर्चा होगी और उस चर्चा का जो असर आएगा वो हम लोग आपसे शेयर करेंगे। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
हम लोग आप जो इनॉग्रल भाषण के लिए धन्यवाद जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ वी हैव मिस्टर ओलेक नेज़र फ्रॉम इज़राइल प्रोफेसर एंड हिज बुक डिह्यूमनाइजेशन द कॉग्निटिव रूट्स ऑफ फैंटास्टिज्म हैज बीन पब्लिश्ड। सो नाउ आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर ओलेक नेज़र टू स्टार्ट हिज डेलिब्रेशन। Gandhi in contemporary scenario of global peace is, of course, the same as the relevance of a vaccine in contemporary scenario of coronavirus, global pandemic. Thank you for inviting me. I am not much of a Gandhian scholar, but I love Gandhiji deeply, and he is with me always. I consult him in whatever I am attempting to do, and every time I forget to consult him, I regret it afterwards. When I was invited to speak to you on this occasion, I immediately knew what I should say. I shall think as hard as I can what Gandhiji would have said if he were here with us. And they say, last year, I made my pilgrimage to the home sites of Gandhiji. I met some of the people who are entrusted with his heritage. And to them, I owe my gratitude for recommending my invitation to this webinar. I want to thank for their that honor and for their hospitality to Professor Anamik Shah, Vice Chancellor of Vidyapith University, the university that Mahatma Gandhi himself established next to his first ashram in Ahmedabad, Gujarat, to Professor Prem Mishra there, and to Dr. John Chaladurai of the Gandhi Research Foundation in Jalgaon, Maharashtra. Gandhiji was a man of peace, one of the very few humans to this day which was really a man of peace. He preached love all life, including your enemy. He did not throw his words around without